Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. सबसे पहले तो प्ले के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का सबका अलग अलग किरदार है, प्ले के बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा। टेल समथिंग अबाउट योर प्ले, क्या किस तरह का प्ले होने वाला है, सबके किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। किरदार तो हम अभी रिवील नहीं करना चाहेंगे जी, बट उसके लिए आपको प्ले देखना पड़ेगा। ओके, प्ले का नाम इट्स बेस्ड ऑन अ ब्रॉडवे कॉमेडी कॉल अ प्ले दैट गोज रॉन्ग। ओके, और प्ले का नाम है गुजराती में नाटक ना नाटक नो नाटक, यानी नाटक के अंदर ही एक नाटक हो रहा है। ओके, तो किस तरीके की कास्टिंग है, कौन क्या क्या मतलब किस किस किरदार में नजर आने वाला है वो कास्टिंग सब मंजू एक्टर है सबको बहुत मजा आएगा, जैसे आप लोग अभी हंसे ऐसे ही फुल ऑफ एंटरटेनमेंट प्ले। ये प्ले का जो ओरिजिनल वर्जन है ब्रॉडवे में चल रहा है द प्ले दैट गोज रॉन्ग, तो गुजराती टाइटल है नाटक ना नाटक नो नाटक। एक प्ले के दौरान क्या क्या गलतियाँ होती हैं और एक्टर्स कैसे शो मस्ट गो ऑन, तो ये कैसे एक्टर्स सब झेलते हैं वो कहानी है। सबके अलग अलग सबके बहुत फनी किरदार हैं और ये इसमें एक भी जोक्स नहीं है, व्हाट्सएप जोक, इट इज़ जस्ट सिचुएशन एंड इट्स अ ग्रेट ह्यूमर, यू विल एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना अपना थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में, कौन कहाँ पे क्या किधर पे दिखने वाला है। दिशा नहीं, दिशा नहीं, आप सब लोगों की बात कर रहे हो, हम लोग सब कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर बारे में, कैरेक्टर में ऐसा है कि बेसिकली ऐसा है कि एक ड्रामा कंपनी है जो अपना प्रीमियर शो करने आज जा रही है और उसके बाद उसमें क्या क्या होता है, सब लोग एक्टर्स, हम एक्टर्स, जैसे मैं हेमांग हूँ तो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ, वो भी एक्टर है पर वो एक्टर एक और किरदार कर रहा है प्ले का। okay. तो उस प्रकार से प्ले के विद इन अ प्ले है। शर्मन जोशी की बात करें, सभी ने टीवी पे देखा होगा और फर्स्ट टाइम उनके साथ काम करके जो खुद प्रोड्यूसर हैं इस शो के, शर्मन जोशी ने बहुत ही कितना उमदा कार्य किया है, बहुत ही हिम्मत जुटाई है इतना महंगा प्ले करने की। आज तक का ये इंडस्ट्री का सबसे महंगा प्ले हो रहा है जी। एंड ये प्ले में जो आपने बोला कि ये जो कंपनी है नाटक कंपनी है जिसको प्रोड्यूसर कभी मिलता नहीं है। ओके, ये लोग क्या इतना अच्छा नाम है लोग का कि आज तक ये लोग कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए, हर शो में कुछ ना कुछ इश्यू आते रहते हैं। इस बार बड़ी मुश्किल से शर्मन जोशी ने एक बार ये ड्रामा कंपनी का प्ले छोटा सा देखा था, तो उन्होंने बोला ये कंपनी को कि आप ये प्ले फुल लेंथ करिए, इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, चिंता मत कीजिए, आप लोग आगे बढ़ो। तो बस उसने हिम्मत जुटाई है और हम लोग भी सब जुड़ गए, अभी भगवान देखे क्या होगा उनका, दैट वी डोंट नो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। विजुअल ना, विजुअल ले लो, विजुअल ले लो। आता कैंडिडेट कसे देणार, महाराष्ट्र नाही तू, कसे कैंडिडेट देणार, असं नाही पॉसिबल आहे ना, फर्स्ट क्लास, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। हाँ बोलू खाली।